2024 आज के lecture में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले इट विल ओनली बी conversation बिटवीन यू एंड मी कि मैम आखिर होने क्या वाला है आखिर तीन महीनों में क्या करेंगे ऑडिट कैसे करेंगे कौन सी बुक फॉलो करेंगे कितने टेस्ट होंगे क्या होगा Everything okay. In case you have any 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 question, you can just ask it. And ye important lecture hota hai, bhai, because to me, registration ka step planner ma'am. Now I'm able to understand things. Now I know everything about you. I will be easily able to understand what you are trying to explain to us. Okay. Now I am assuming most of you know me through my Insta, through my LinkedIn. Okay. But in case you have met me for the very first time, my name is Ruchi Goyal and I'm an ACC affiliate. I have worked for EY GDS in audit role. So that is the major reason I teach audit because, you know, when I teach, I examples. Okay, thousands examples, where do they come from? They come work experience. Se aate hai. Okay, so I was there around one and a half years. Now when it comes to teaching experience, you guys must have seen my YouTube videos. I have taken AA, AAA. एंड इट्स लाइक बहुत सारे लेक्चर्स में ले चुकी हूँ okay? so बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं उसके बारे में करूंगी नहीं बात ज़्यादा. जब हम सिलेबस की बात करते हैं डबल ए का सिलेबस आपके पांच सेक्शन में डिवाइडेड है सेक्शन ए बी सी डी अब आप किसी से भी क्लासेस लो आप मेरे से ले रहे हो आप मेरे से नहीं ले रहे

आप हो कौन आप ऑडिटर हो आई गेस ऑफ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता ऑडिटर होता कौन है तो उसमें ऑडिटर कौन है कौन आपको निकाल सकता है कौन आपको रिक्रूट कर सकता है सो so, जब हम ऑडिट प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए भी बैठते हैं ना सेक्शन ए बहुत काम आता है एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल दीज थिंग्स आर डेर इन सेक्शन ए पूछे कि ऑडिटर कौन है तुम्हे सेक्शन ए बताएगा ठीक है तो सेक्शन ए इज लाइक फ्रेमवर्क ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कॉल्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स आप कौन हो ऑडिट इश्योरेंस क्या है ऑडिटिंग होता क्या सो so, अगर आपको ये ही नहीं पता होगा तो बी सी डी ई e, बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले फाइन फिर आता है बी वेन यू फाइनली मीट द क्लाइंट क्लाइंट से मिलते हो उनका रिस्क समझते हो मैम अब आ गया हाथ में क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट आया रिलायंस क्लाइंट आया उसके एकदम कूद तो नहीं जाओगे कंपनी में नहीं सब कुछ पहले एनालाइज करोगे प्लानिंग करोगे रिस्क समझोगे ओके सो वेयर रिस्क

मार्क्स वेटेज की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ए अपने बारे में इम्पोर्टेंट है ई ओके ओके समबडी ट्राइड गाइस अनम्यूट में ना बहुत ज्यादा मच जाता है इसलिए यस यस वेरी गुड ई मैम ई इज द एंडिंग ऑफ द रिपोर्टिंग मतलब आपने ना खाना बना लिया है आपने खाना बनाना सीख लिया आपने उसमें नमक मिर्ची सब कुछ डाल दिया है आपने उसे गै, गैस से भी उतार दिया बेटे जिसके लिए बनाया था वो तो कर दो आपने बनाया था वो खाना सर्व करने के लिए किसी की भूख मिटाने के लिए अगर वो उस गैस तक नहीं पहुंचा तो आपके खाने का क्या फायदा है? Similarly, अगर आपने इतने टंटे करे आपने ऑडिट किया आपने सब कुछ किया आपने कमियां निकाली बट अगर ये कमियां आपने किसी को नहीं बताई आपने शेयर होल्डर को नहीं बताया तो ऑडिटिंग का कोई पर्पस ही नहीं है सो रिव्यू एंड रिपोर्टिंग इज जस्ट लाइक फाइनली सब कुछ बन चुका है अब आइए बारी सर्व करने की, अब है बारी रिपोर्ट बनाने की अब मैं इसमें सारी कमियां लिखूंगा और शेयर होल्डर्स को बताऊंगा सो दैट इज द ऑडिटिंग एंडिंग स्टेज तो हमें समझना पड़ेगा कि कहा से हमने शुरू किया था टू एंड तो लिटरली ऑडिट का सिलेबस कुछ नहीं है एक पूरा ऑडिट साइकिल है क्या है पूरा एक ऑडिट साइकिल है गाइस सेक्शन समझ में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन क्यों इंपॉर्टेंट है ये सबको समझ में आया वाई सेक्शन ए बी सी डी इज इंपॉर्टेंट विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वट वुड बी स्टार्टिंग ओके समझ में आया पांच सेक्शन आगे बढ़ू यस और नो कम सो so, मैं बता देती हूँ सेक्शन ए आपका इजिएस्ट होने वाला है बिकॉज सेक्शन ए में में यू नो कि हम अपने बारे में पढ़ेंगे फिर रिस्क में क्या होगा हम क्लाइंट से मिलेंगे बहुत सारा मजा आएगा बहुत सारी प्लानिंग होगी बहुत सारा रिस्क असेसमेंट होगा इंटरनल कंट्रोल में हम कंपनी के अंदर ही घुस जाते हैं लिटरली पता है मैं इंटरनल कंट्रोल में ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ तुम कंपनी के वेयर हाउस में गए और तुमने यू नो सिक्योरिटी गार्ड से बोला फायर अलार्म चलाओ दिस इज इंटरनल कंट्रोल अब तुम कंपनी के अंदर घुस गए हो, ठीक है? ये तो हो गई कंपनी के अंदर की है. अब audit evidence. Audit evidence क्या होता है भाई लाओ बैंक स्टेटमेंट you know, लाओ आर दीज ऑडिट एविडेंस वी विल बी कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस मैम क्या ये आप हलवा बनाने के लिए एविडेंस कलेक्ट करोगे नो no. किसके लिए कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए

like so happy good very, very good, marks. Has done it. Very good 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 very 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 marks has done it okay Man, fr important auditing न, तो auditing fr important auditing auditing पास हुए थे मैम पूरा दिमाग बाहर निकल के आ गया था एफ आर मध्य सॉरी सॉरी टू डिसंट मैं बट तुम्हें एक सेक्शन में दैट इज सेक्शन बी तुम्हे बार 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 एफ आर पूछने वाले हो मैम एफ में क्या पूछने वाले हो पहले बता दो सबको वो याद है पीपी इन एसेट्स ठीक है आई ए सिक्सटीन रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा याद है उनके अकाउंटिंग एलिजिबिलिटी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती थी, थी डेबिट क्रेडिट डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट अमोरिटाइजेशन की ट्रीटमेंट राइट ये सब ये पूछने वाले हो आई एस मैम गवर्नमेंट ग्रांट ये ये सारे मैं तुमसे पूछने वाली हूँ क्यों मैम क्यों पूछोगे आप रिस्क सेक्शन बी के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन है ऑडिट में जहां पे आपकी एफ की नॉलेज यूज आती है इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं और आपने मेरी एक रील भी देखी होगी कि डू एंड देन डबल ए बिकॉज रिस्क का आपका थोड़ा स्टैंडर्ड है थोड़ा यू नो बेस होता है जहां पे आप रिस्क के क्वेश्चंस करते हो अकॉर्डिंग टू दर मैम नहीं आता मैम सी ए से आए हैं कोई बात नहीं जब मैं वो करवाऊंगी मैं थोड़े थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रिवाइज करवाती हूँ तो उसकी चिंता नहीं है मैम छह महीने पहले एफ दिया था कोई बात नहीं वो भी मेरी टेंशन है बस करके आना चाहिए थोड़ा होना चाहिए नाउ गाइज हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन स्किल लेवल पेपर पहले स्किल लेवल पेपर किसने दिए पहले आई नो अगेन विशाल का वो उसका फर्स्ट पेपर है ऑडिट बट वॉट अबाउट अदर्स यू हैव गिवेन ओके वन ऑफ यू टू

ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि आपको यू नो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है एक करेक्ट मेंटर की जरूरत है क्यों मैम आपका हंड्रेड मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 30 70, 60 40. 30 के आपके एमसीक्यूज आएंगे विच वुड बी एमसीक्यू वन टू एंड थ्री पांच एमसीक्यू एक केस आएगा पांच एमसीक्यू दो दो मार्क्स का सेवेंटी मार्क्स पूरा लिखना पड़ेगा पूरा टाइप करना पड़ेगा इसलिए मैं क्लासेस लेती हूँ इसलिए मैं होमवर्क देती हूँ और होमवर्क को इवेल्युएट करती हूँ क्यों क्योंकि मार्क्स मार्क्स का है 70 में आपका एक थर्टी मार्कर आता है ट्वेंटी मार्कर एंड ट्वेंटी मार्कर मैम समझ में नहीं आया मैम ठीक है थोड़ा हम ना इसे देख नहीं पा रहे हम आप अच्छी पिक्चर नहीं देख पा रहे गाइज आई शो यू द रियल पेपर एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ मैं देख पा रहे हो कैन यू यू सी स्क्रीन ओके आई शो वन प्रैक्टिस एग्जाम देखो तुम्हें इससे रियल आइडिया मिलेगा कि मैम कैसा पेपर होता है कैसा पेपर होता है ठीक है सबको पता है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो प्लीज सब अटेंड करके आएंगे पूरा का पेपर ये देखो

सेक्शन पूरा हंड्रेड मार्क्स का डिविजन देखो अब कैसे आता है मैम गाइस देखो सेक्शन ए सेक्शन ए के क्वेश्चन कैसे आए ये रहा आपका पूरा एक सिनेरियो और उसपे एमसीक्यू एक सिनेरियो एमसीक्यू एमसीक्यू आ सकता है द ब्लैंक्स आ सकता है इंक्लूड एक्सक्लूड आ सकता है तो ये हो गए आपके सेक्शन ए वाले क्वेश्चन ये देखो वन टू थ्री तो पंद्रह क्वेश्चन होंगे ऐसे तीन केसेस अब आता है सेक्शन बी पे सेक्शन बी कैसे होता है ये देखो मैम इतनी बड़ी कहानी कोई बात नहीं जब तुम पढ़ने बैठोगे मेरे साथ क्वेश्चन करोगे इट वुड बी वेरी इजी येरी कहानी एंड येरे क्वेश्चन डिस्क्राइब टू मेथड्स मैम नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं क्वेश्चन टाइप समझो ये देखो तुम्हें ब्लैंक दिया जाएगा लिखो बैठ के सिक्स मार्क्स का ये ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं ये देखो 14 मार्क्स तो ऐसे आपको पूरा सेवेंटी मार्क्स का पेपर लिखना होता है सो दैट इज हाउ सेक्शन ए एंड बी इज डिवाइडेड वेन इट कम्स टू डबल ए का पेपर सबको समझ में आया क्या स्ट्रक्चर होने वाला है पेपर का डायना नहीं है कि मैम इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस करोगे डे वन से बहुत इजी है लिटरली बहुत इजी है ठीक है बट इजी में भी टेक्निक है बताती हूँ बाद में क्यों बच्चे फेल होते हैं है। मैम इतना इजी इजी कर रहे हो तो फेल क्यों होते हैं बच्चे इतना ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर्स आपके सत्रह चैप्टर्स है नहीं सत्रह नहीं है बारह चैप्टर्स है ये आपका एफ का रिविजन है तो जिसे भी एफ याद नहीं है गाइज यूज चैप्टर नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन यू विल अंडरस्टैंड इट देन चैप्टर नंबर वन टू ट्वेल्व है एंड पांच सेक्शन है एक एक चैप्टर करेंगे आराम से करेंगे फेल इन डबल ए मैम आप इतना कह रहे हो इजी पेपर है इजी चैप्टर है इजी है बारह ही चैप्टर है बारह चैप्टर है मैम एक एक चैप्टर करके भी ना तीन महीने में मैं खत्म कर दूंगा फिर भी बच्चे फेल होते हैं वाई बिकॉज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें आदत है ऐसे लंबे लंबे आंसर लिखने की डबल ए में जरूरत नहीं है टू द पॉइंट की वर्ड प्रॉपर फॉर्मैटिंग प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग टल काम्स इन दिक्चर उतने लिमिटेड में कैसे आपको पूरा पेपर लिखना है दैट इज वाई यू आर फेलिंग बिकॉज आपके आंसर की हमें आदत है लिखने की जनरल आंसर वंस यू नो यू नो ऐसे भी लिखते है बच्चे यू नो दिस विल नो दिस विलीड टू फॉल्ट फॉल्स नो वी डोंट राइट फॉल्स अंडर

अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट तो ना यू आर ट्रांसफॉर्मिंग ये होने वाली है आपकी जर्नीस किस, किस को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर लग गया मैम ये marks की वेटेज देख के की वर्ड के ये पेपर देख के यू नो आई विद अबाउट एनी वन प्लीज माई एम इज नॉट टू स्केर यू गाइज गैस नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिस टू मई कमॉन Okay, <laughs> you you इसलिए मेरे को आदत नहीं है कि मैं वीकेंड की क्लासेस की तुम्हें पांच दिन छोड़ दू और तुम दो दिन खुद यू you नो know, अपने आप ही आ जाओ नहीं आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग मंडे वेंसडे फ्राइडे या ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे सो दैट तुम कंसिस्टेंट रहो भूलो ना ऑडिट को वीकली क्लासेस ना वुड बी दिस दिस इतने इतने लंबे लंबे आंसर देखे मैंने ये जो स्पेसेस होते हैं ना लिटरली आई शो यू ये वाली जो स्पेसेस होती है स्टूडेंट्स इसे यहां तक फिल करते हैं यहां तक इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे और फिर मुझे बोलते हैं मैम हमारा ना पेपर कंप्लीट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि आप फालतू के लेंदी आंसर्स लिख रहे थे आप कहानियां लिख रहे थे बैठ के जब जरूरत ही नहीं थी ठीक है तो दैट इज वेर आई वुड हेल्प यू गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट गुड आंसर बैड आंसर ठीक है क्या डिफरेंस होता है दैट इज टू द दर्ड एंड की वर्ड दैट इज वेर यू विल एक्चुअली डू इट ओके नाउ आई फॉरगॉट टू ओपन दिस आई होप ये ओपन हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ठीक है नाउ व्हाट आर द प्लान फॉर द नेक्स्ट टू एंड हाफ मंथ इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन द क्लास जैसे मैं कल की क्लास में तुम देख लेना कल भी फ्री डेमो सेशन है सो यू कैन अटेंड दो प्रैक्टिस मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करवाओगे दैट वी विल शो यू देन रेगुलर होमवर्क मिलेगा रिविजन होगा एंड टेस्ट सीरीज होगी टेस्ट सीरीज फाइव सेक्शन वाइज टेस्ट एंड फुल मॉक्स बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू दिस फाइल आई हैव गाइस जो स्ने भी रजिस्टर किए वो व्हाट्सएप ग्रुप में उसे ये मिल जाएगा आज ठीक है कैन यू सी दिस एक्सेल फाइल दिस इज द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 2 1/2 मंथ्स वेट आई ओपन इट

तो ये मत समझना तीन दिन ही होती है वो आगे हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर डाउट पार्टिसिपेशन आई टेक लॉर्ड ऑफ डाउट सेशन तो अगर तुमने ज्यादा टाइम खोटी कर दिया डाउट्स में तो मुझे नेक्स्ट डे फिर क्लास लेनी है पूरा ठीक है तो क्लासेस आर वेरी फ्लेक्सिबल बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कब तक सिलेबस खत्म करेंगे कैसे करेंगे क्या होने वाला ओके एनी डाउट्स गाइस यू विल गेट दिस शेड्यूल इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओके एनी डाउट्स कैन आई मूव फर्दर गाइस सी दिस इज आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल एस्पेक्ट इन ओरिएंटेशन क्लास बट There is a slight possibility that I miss out certain points. So, you need to ask, you need to comment. That is why I have made the chat box private that you can only ask me. Fine, I'll not take the names. Now, when it comes to class timing, Tuesday, Thursday, Saturday, 7 to 9. Doubt session, first, you can ask as the way you are asking me right now. Ma'am, this question here, so chat private hoti hai during the class. Once the class is over, I switch off the recording. And I ask everybody, do we have any doubts? Now, ma'am, what if I am solving a question at 12 a.m. and I have a doubt? Put it in the WhatsApp group. I will solve it. Okay, ma'am, what if I have 100 doubts? I will keep a doubt session. Okay, so it's your duty that you bring a lot of doubts to me and I am happy to solve it. Now, what if I miss the class? Watch the recordings on Elan's app. You ha will get the recordings as soon as the class will get over. Now, guys, how many of you have this question? Like, literally, whenever I have a doubt over the registration, I get this question. Which book will you follow? How many of you ask this question? Honestly, you should. How many of you ask this question before registering? That, ma'am, which book we will follow in the class? Or, you know, while studying, you get this. Ma'am, should I follow Kaplan? Should I follow BPP? Or should I follow all the books? And, ma'am, we have Study Hub right now.

technical article you will get wonderful example there or sometimes I will be using that in my class too okay then past exams we will do after 20th November all question practice I will tell you आज ये करना है आज ये करना है कोई मेरे बिना question practice को हाथ नहीं लगाएगा ठीक है caplan mam BPP solve करले करो उसमें कोई question आए ask me उट okay, so ये करना ये नहीं करना वो नहीं करना यू स्टिक टू दैपलान रेस्ट ऑफ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट ट्रस्ट मी देस आपको मेरे को आपसे होती है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम मी यू कैन एक्सपेक्ट हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आता सौ बार पूछो आई विल गिव यू नोट गाइज हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू सी द नोट्स

कि फर्स्ट टाइम समझ हूँ देख के मैम ने समझा दिया अब क्या करना है ओके okay. so सो ये तो हो गए आपके देखो स्टडी हब में से कुछ कुछ स्क्रीन भी लेती हूँ मैम ठीक है तो ये तो हो गए आपके ये देखो आफ्टर एवरी नोट यू विल गेट कहा से प्रैक्टिस करिएगा स्टडी हब के एमसीक्यू जो क्लास में हो चुके होंगे स्टडी टेक्स्ट में कौन सी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कैपलन किट में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा एंड बीपीपी किट में कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम रिसोर्सेस। फाइन ये तो हो गए डिटेल नोट्स मैम ठीक है ये पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे याद भी कर लेंगे नवंबर में मैम इतना टाइम नहीं है कि आपके 6 6 पेजेस के नोट्स पढ़ें कम टू दिस यू गेट

हमारा सिलेबस भाग रहा है हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा जल्दी करवाओ वो नहीं होगा ठीक है या आप मैम हमारे डाउट्स क्लियर नहीं करें वो भी नहीं होगा फ्रॉम यू आई हैव अ एक्सपेक्टेशन टू जैसे एक रिलेशनशिप होती है ना चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो या फ्रेंड्स की हो दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है ठीक है सो वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अटेंड माई क्लासेस डेली सेकेंडली अगर आप रिकॉर्डेड मॉडल ले रहे हो यू विल अपडेट मी कि कितना कब हुआ थर्ड

सीरियसली नहीं लोगे तो आफ्टर ईच एंड शेर शेर मीजर इससे ज्यादा मेरे को नहीं समझ माना की मैं क्या कवर करूं ओरिएंटेशन में यू कैन आस्क मी नाव यू कैन आस्क मी एनी थिंग आई शोड यू द क्वेश्चन पेपर आई शोड यू माई नोट आई शोड यू द डिटेल शेड्यूल What else? Tell me. Any questions? Okay. I'll I'll switch off the recording and uh, then we can continue because ye one to one one